अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। इस वक्त मैं अलपुरे में मौजूद हूँ। आज आपको दिखाना है मैंने लिलौनी कंडौसर। तो अलपुरे से हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, मेरे साथ रहे। ट्राउट पाम हेचरी भी है यहाँ पर अलपुरे में। लश ग्रीन, हरियाली, जंगलात, बेहतरीन सड़क, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात शंगला कैंपस, बहुत ही बेहतरीन इमारत है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से लिलौनी गांव को जाता है और ये वाला रास्ता जो है ना लिलौनी कंडौ को जाता है। तो आज आपको लिलौनी कंडौ दिखाते हैं। ये लिलौनी गांव और बहुत बड़ा गांव है, खूबसूरत है। अगर आप देखें तो यहां पर इमारतों की छतें अगर आप देखें तो ये बर्फ़बारी की वजह से लगाए गए हैं ताकि बर्फ़ खुद ब खुद जो है ना नीचे गिरे। और रास्ता कुछ पुख्ता कुछ कच्चा, लेकिन बहरहाल छोटे बड़ी गाड़ी इसमें आराम से आ जा सकती है। अगर जीप है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर जीप नहीं है आपके पास मोटर कार है तो आप इसमें आ सकते हैं। हमारे पास भी ये गाड़ी अगर आप देखें तो मोटर कार की तरह ही है, फोर व्हील इसमें नहीं है। और कुछ रास्ता ख़राब है, पूरा रास्ता ठीक नहीं है। सामने वो टॉप है तो हमने वहाँ पर जाना है इंशाल्लाह। गाड़ी हमारी नीचे अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा नीचे है। ये चूँकि नीचे लगती है तो इस वजह से बंदों को उतारना पड़ता है। ये कार से भी नीचे है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप इसमें आते हैं तो मतलब कार में अगर आप आते हैं तो फिर इतना इशू नहीं है। अगर आप लिलौनी से जीप कर दें अलपुरे से तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये रास्ता सीधा उलंदर और शाहपुर वैली वहाँ भी मतलब ये जाके मिल जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है, लेकिन अगर ये बन जाए तो टूरिज़्म के लिए ये एक बेहतरीन स्पॉट है। मुश्किल रास्ता है लेकिन पोरवेल गाड़ी हो ना तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल बगैर पोरवेल की भी मैंने आपको गाड़ी दिखाई भी है, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अगर आप आराम आराम से जाए तो कोई इशू नहीं है कि आप इसमें ना आ सके। मोटरसाइकिल वाले बिल्कुल बिला खौफ खतर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़िगज़ैग रोड, बेहतरीन बेहतरीन तो नहीं है लेकिन कच्चा रास्ता है। लेकिन मोटर कार में आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी ऊंची है, नीची ना हो ना, फिर ठीक है।
खैर अल। बस हम टॉप तक पहुंच गए हैं। टॉप तकरीबन कोई एक घंटे का रास्ता है अलपोरे से यहाँ तक का। लेकिन यह है कि अगर आपके पास जीप है या थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है तो फिर तो बहुत ही आसान है। तो टॉप तक हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या है, लेकिन मुकामी शहरियों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये अगर आप देखिए, आप अलपुरे से जब आते हैं तो यहाँ पर आपने गाड़ी कहीं खड़ी करनी है यहाँ इस जगह पे, यहाँ हमने खड़ी कर दी है, और आपने इस तरफ आना है सीधा। तो ये टॉप तक जाते हैं, वहाँ पर दश्त है, बेहतरीन नज़ारा है, तो आप वो मिस ना करें, वो ज़रूर आप देख लीजिए और मेरे साथ रहे, मैंने आपको वो दिखाना है। हमारा नाम सुदेश है, हम चिकदरा से आए। ये जगह बहुत अच्छा जगह है, और रोड ख़राब है लेकिन रोड के बावजूद लोग आते हैं, बहुत अच्छा जगह है। ये अगर आप देखें तो ये कांडाऊ कांडाऊ है, और कांडाऊ में अगर आप देखें लश ग्रीन, ये इतनी हरियाली है कि आप हैरान रह जाओगे। खुले मैदान है और बिल्कुल बेहतरीन है ये जगह, काफ़ी एरिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर खुले मैदान होने की वजह से ज़्यादा पुरलुत्फ़ है ये इलाका, और ये बिल्कुल टॉप पे है। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो क्या ही बात है। और यहाँ से अलपुरई और लिलवनई की जो आबादी है, आबादी तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन पहाड़ों के बीच में है वो, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ पर हमारे दोस्त तस्वीरें मस्वीरें बना रहे हैं, वकील साहब है और उस्ताद साहब है, और क्या ही बात है। मेरा ख़्याल है कि हमने पैसे वसूल कर दिए हैं, हमने यहाँ पर सफ़र किया। यहाँ अगर आप देखें घने जंगलात, तो बिल्कुल बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और आपको मज़ा आएगा यहाँ आके। ये इतना है भी नहीं, मतलब अगर आप दश्त लैला नहीं जाते और यहाँ आते हैं तो यहाँ भी मतलब आपको दश्त लैला की तरह खुले मैदान टॉप पे, बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे जो है ना, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको मिलेगी। अब हम ड्रोन को उड़ा रहे हैं ताकि ड्रोन के ज़रिए भी आपको दिखा सके कि क्या सूरत हाल है। तो शौकत एडवोकेट से थोड़ी सी बात करते हैं। शौकत एडवोकेट, आप इधर आए। ये टॉप हम मतलब हमने फैसला किया था कि इसको छोड़ देते, स्किप कर देते, लेकिन आपने कहा नहीं चलते, तो कैसा है ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा स्कूल्ला, अभी आपको क्या बताऊँ, अगर वाकई ये जगह हम ऐसे छोड़ के चले जाते ना तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होती। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हाइट पे है, हाइट पे है, देखे ना कृष्णा दश्त लैला से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। हाँ जी, और ऐसा पुरसकून माहौल है, बेहतरीन जी जी, जबरदस्त जबरदस्त है ना, बिल्कुल। जितने भी है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ नूरा साहब उस्ताद साहब का है, जिसने ये खूबसूरत जगह हमें दिखाई। ये देखो ड्रोन जा रहा है जी, कहाँ जा रहा है। जाओ जाओ जाओ,
तो बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर देते हैं।